तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडस टावर के स्टॉक के बारे में। इंडस टावर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन जो ये स्टॉक है इसने फिर 193.65 का लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार अभी गिरावट देखने को मिल रही है। ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और जब स्टॉक ने तीसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तब अब उसके बाद अब हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.39% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 179 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 174, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 169 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 162 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट आपको सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में मैं हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 180 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 193, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 201 एंड यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 207 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 202 उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 202 उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 250 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग इस तरह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।